रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज आप ये देख रहे हैं, आप आज मेरे ड्रेसिंग टेबल पर मौजूद हैं। एक्चुअली मैं आज यहाँ की सफाई करने के लिए आई थी, तो मैंने सोचा कि मेरे एकदम से आइडिया आया मुझे, मैंने कहा क्यों ना मैं इस पर वीडियो बनाऊँ। ये एक्चुअली मेरी कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स नहीं है और ना ही कॉस्मेटिक्स की है, ये रैंडमली जो हम डेली रोज़ाना डे टाइम में यूज़ करते हैं, तो मेरी वो सारी चीज़ें हैं। मैंने कहा मैं आपसे इसकी शेयर करूँ। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी, और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जी हेयर ब्रश सबसे पहले तो ये, लेकिन मेरा नहीं है, मेरी बेटी का है, वो भी यहाँ पे आकर यूज़ करती है। पिंकू पिंकू उसी का है। मैं ये कॉम इस्तेमाल करती हूँ, मुझे आदत है इसकी, और ये मेरा बहुत पुराना और बहुत, जैसे होता है ना कि अपनी कॉम की आदत होती है इंसान को वैसे ही। अच्छा जी, अरके गुलाब है, आपको पता है ये मैंने इस बॉटल में डाल के रखा है। एक्चुअली इसकी बॉटल नहीं, खाली एम्प्टी बॉटल थी, इसमें मैं अरके गुलाब डालती हूँ, और कभी कभी मैं इसको एलोवेरा जेल के साथ एक टोनर भी बना लेती हूँ, वो DIY, उसकी भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। तो फिलहाल ये जो है मेरा खुद का बना हुआ अरके गुलाब और मेरा टोनर है, तो मैं इसको उससे पहले, लेकिन ये क्लिंजर, क्लिंजर मेरी डेली रूटीन में ज़रूर शामिल होता है। ये क्लिंजिंग मिल्क है, लेकिन मैं क्लिंजिंग मिल्क कभी कभी इस्तेमाल करती हूँ। आजकल जैसे मानसून है, बरसात का मौसम है, तो बिल्कुल ये सूट नहीं कर रहा है मुझे, तो आजकल के लिए वाटर बेस्ड क्लिंजर इज़ द बेस्ट। ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, बस इसको कॉटन पैड पर डाला और जल्दी से मुँह साफ़ कर लिया, सारी आपकी जो डर्ट इम्प्योरिटी सब कुछ निकल जाती है, बहुत अच्छा है। उसके बाद जी आ जाते हैं, जल्दी जल्दी बताती हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ये एक बेबी लोशन, बेटी भी इस्तेमाल करती है, मैं खुद भी इस्तेमाल करती हूँ। एक मॉइस्चराइज़र है, मॉइस्चराइज़र तो मेरी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने एक्चुअली हर जगह रखा हुआ है। ये मेरी ड्रेसिंग टेबल पर है, किचन में भी है, दूसरे रूम में भी है, हर जगह। मेरी नाइट टाइम की जो बास्केट मैंने बनाई है उसमें भी मैंने ये रखा हुआ है। अच्छा जी, ये डिओड्रेंट है जो कि आप देख रहे हैं, एम्प्टी है, मतलब इस्तेमाल हो चुका है, तो ये दूसरा मैं लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। अच्छा ये पाउडर है, पाउडर आपको पता है प्लकिंग वगैरह थ्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा जी यहाँ पर आप आ जाएं, ये जी ये आजकल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, और ये बहुत ज़बरदस्त है, स्विट्ज़रलैंड की बनी हुई है, ये डे क्रीम है, और इतनी अच्छी, इतनी इसका सॉफ्ट टेक्सचर है, ज़रा सी भी ग्रीसी नहीं है। आप ये देखें, ये देखें, मैंने ये इसको सील लगा देती हूँ, मैंने इस्तेमाल की हुई है वैसे ही, तो मैं ऊपर इसमें जो है ना फिर कोई गंदगी वगैरह ख़राब नहीं होती, ठीक है। तो ये मेरी आज की डे टाइम की, इसमें थोड़ा सा वैसे SPF भी है, लेकिन अगर मुझे कहीं जाना हो तो फिर मैं ये बीबी क्रीम स्पॉन्ड्स की इस्तेमाल करती हूँ, ये भी बहुत अच्छी है। इसमें खुद भी बेबी क्रीम में वो होता है SPF 30 होता है आई थिंक, तो फिर मुझे इतना ज़्यादा सनब्लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं होती, डे क्रीम लगा लें या नहीं। और इसके अलावा एक और जो चीज़ मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ, और ये मेरी बड़ी ही फेवरेट है, मैं हाईली रिकमेंड करूँगी आप लोगों को भी, ऑल ए नेचुरल वाइट, इंस्टेंट ग्लो देता है इंस्टेंटली। आपको अगर कुछ भी नहीं करना, आपके पास टाइम नहीं है ब्लीच करने का, या आपको फेशियल करने का, या किसी भी चीज़ का, तो आप बस इसको लगाएं और फिर भूल जाएं, इतना अच्छा ग्लो देता है। अच्छा जी यहाँ पर आ जाते हैं, ये मेरे हैं परफ्यूम्स वगैरह कुछ, आप ये देखें, ये मेरा फेवरेट परफ्यूम है जो मुझे मेरी बर्थडे पर गिफ्ट मिला था, और ये वाला परफ्यूम ज़्यादातर मैं वैसे अपने बैग में रखती हूँ, तो लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए, बहुत ज़बरदस्त परफ्यूम है। और फिर एक ये मेरा बहुत पुराना, मैं बड़ा इसको इस्तेमाल सेंथ सेंथ के करती हूँ आराम आराम से, क्योंकि फिर ये मिलता नहीं है, एक दफ़ा जो आ जाए। एक ही मेरा परफ्यूम है, ये अभी रिसेंटली मैंने लिया, इसकी भी स्मेल बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी खुशबू होती है इसकी, ठीक है। साथ साथ मैं रखती रहती हूँ ताकि बहुत क्लटर ना हो जाए यहाँ पर। और ये अरके गुलाब की बड़ी बॉटल है, ठीक है, इससे फिर मैं वो जो छोटी वाली है ना इसमें फिर मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ, या मुझे कोई DIY वगैरह करना हो तो उसमें हम इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा जी ये बॉडी स्प्रे है, बॉडी स्प्रे के डेली ज़रूरत होती है शावर लेने के बाद, आजकल मैं ये वाला इस्तेमाल कर रही हूँ, ये भी बहुत अच्छा है। अच्छा इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा एक ही टाइप का कोई लेकर आऊँ, कोई भी ले आती हूँ, आजकल ये लेकर आई हूँ तो आपको ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हो गया, अब ये चलते हैं, ये बस रैंडमली कुछ चीज़ें हैं, ये कोल पेंसिल है, काजल पेंसिल, काजल मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा जी ये वो मार्कर लाइनर होते हैं जो आजकल मिनीसो पे हैं, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है जी। मस्कारा, ये मेरी डेली की लिपस्टिक्स वगैरह जो रोज़ाना हल्के से कलर होते हैं आम रूटीन में मैं यूज़ करती हूँ। ये मेरा काजल, अगेन काजल आपको सुख में, काजल मेरे पास बहुत मिल गई, ये थोड़े से लिप पेंसिल्स हैं, ये लिप पेंसिल हैं, ये है कुछ लिप पेंसिल हैं जो जो डेली यूज़ की होती हैं, ये मेरे ख्याल वो आईब्रो प्रोमेट है, ये आईब्रोज़ के लिए ब्राउन कलर का, ये अगेन लिप पेंसिल्स, मैं लिप पेंसिल्स लिपस्टिक से ज़्यादा यूज़ करती हूँ,
दो मेरे लिप ग्लॉसेस हैं, ये बस जस्ट डेली रूटीन के लिए जो भी होते हैं वो चीज़ें हैं। अच्छा जी, ये सैनिटाइज़र है और ये तो आपको पता है आजकल वैसे ही बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं जो हूँ अपना कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट, कोई भी मुंह पे चीज़ लगाने से पहले अपने हाथों को पहले सैनिटाइज़ करके उसके बाद फिर मैं कोई चीज़ यूज़ करती हूँ। मैंने पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। और ये है एलोवेरा जेल, जो आपको पता है कि यूट्यूबर्स की बहुत ही फेवरेट होती है DIY करना हो। वैसे भी मैं इसको फेस पर लगा लेती हूँ और फेस बहुत ही ज़्यादा ग्लो करता है, तो मेरी ये रोज़ाना की रूटीन में एक एलोवेरा जेल भी शामिल है, आप देख रहे हैं ना इस्तेमाल से। और ये मेरे ख्याल मेरे महीना भी नहीं चलती है, कभी मैं इसको अर्के गुलाब के साथ यूज़ करती हूँ, अर्के गुलाब के साथ मिलाकर, और कभी इसको खाली भी यूज़ करती हूँ, और कभी मैं इसे जो कैप्सूल्स होते हैं विटामिन ई के उसके साथ मैं इसको मिक्स करके, क्योंकि आजकल थोड़ी गर्मी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत है, मानसून है, बरसात है, आपको पता है हर चीज़ में बहुत ही ऑयल वगैरह हो जाता है, तो आजकल खाली आप ये लगाएं तो इससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, कुछ भी ना लगाएं अपने फेस पर, ठीक है। तो ये सारी मेरी डेली रूटीन की चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की। हाँ जी व्यूअर्स, आपने आज मेरी वीडियो देखी जो डेली प्रोडक्ट के बारे में थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला, तब तक के लिए मुझे इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।